आप ये बताओ कि केसीआर से आप नाराज क्यों हो, जबकि इतनी बड़ी मूर्ति बनाए उन्होंने, बहुत बड़ी सी मूर्ति बना दी बाबा साहब की, फिर भी उनसे नाराज क्यों? उन्हें स्वार्थ के लिए मूर्ति बनाए, लेकिन भगवान बुद्ध के दुआ के लिए नहीं बयान बनाया। ये अपनी ट्राइसिकल पर यहाँ पर घूम रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरामन है। अच्छा हीरामन, कहाँ से आप, कहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ तलोडी में रहते, कौटाला मंडल तलोडी। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या काम क्या करते हैं? मैं एग्रीकल्चर, खेती करते हैं आप? हाँ, खेती। अच्छा खेती कर, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे को एक बच्चा है, दो बच्चे है। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बड़ी बच्ची प्राइवेट में डॉक्टर कर रहे, बच्चा वो भाई ऐसे एग्रीकल्चर हो गए हरियाणा में। अच्छा। अभी यहाँ से दूसरे देश में सीखने के लिए आप प्रिपेयर हो बोल के बताया प्रवीण सर। अच्छा। उनके बाद के ऊपर पूरा प्रिपेयर हो गया। अच्छा। अगले मंथ में सर बैठता बोल के बोला। अच्छा। और छोटी बच्ची बी फार्मेसी फाइनल ईयर चल रहा है अभी, छोटी बच्चे अभी हालत ऐसा है। प्रवीण सर का आप प्रचार कर रहे हैं घूम घूम के, हाँ। कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार प्रवीण सर को कितना वोट मिलेगा, जीतेंगे प्रवीण सर? प्रवीण सर 100% जीतता बोल के मैं बात देता हूँ। हाँ। आप वचन देते हैं कि 100% प्रवीण सर जीतेंगे? हाँ हाँ, गारंटी जीत। अच्छा। हाँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो हमारे सब गरीब समाज में पैदा होके हमारे भारत की राजधानी और भारत का संविधान उन्होंने लिखा। वो दो साल 17 महीने 18 दिन उन्हें भारत का संविधान लिखा लिखे। अभी हमारे गौर गरीबों का, हर जातियों का संपूर्ण स्वच्छ संविधान दिया उनके संविधान के ऊपर, आज तक हम ये पद में चल रहा ऐसा उसका पद में प्रवीण डॉक्टर प्रवीण कुमार सार चल के हमारे सभी बहुजन समाज के सर्वे जिंदगी सुधार करते बोल के हम सभी जन उसके पद में चल रहा। ये बताओ कि यहाँ तो बहुत सारी दूसरी पार्टियां हैं, पैसा देती है, सब कुछ करती है, फिर प्रवीण सर के साथ में आप जा रहे हो, आपको तो कुछ पैसा मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं, पूर्ण हम स्वेच्छा से काम कर रहा, पैसे की जरूरत नहीं, हमारे बच्चों की जिंदगी सुधारना वही हमारा सपना है। हाँ, प्रवीण सर जीत जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा बोल के 100% विश्वास है हम। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियाँ दिखती हैं, इधर पर लोग उनके बारे में जानते हैं? बोले तो अभी हमारे समाज में कुछ लोग जानते हैं, अभी जब तक वो पढ़ाई में सुधारना नहीं होता तब तक उनका कोई चरित्र नहीं सीख सकता। अब हमें जो सीख रहे जो पढ़ के रहे, मेरे अभी मैं डिग्री में डिग्री पढ़ गया मैं, मेरा SSC 1990 में हो गया मेरा SSC। जब से मैं पढ़ाई इंटर पढ़ाई मैं वारंगल में किया, खेती करने लगे। उसके बाद हमारे जीजा जी, हमारे वो ताता जी, हमारे पिताजी कमाने वाली जमीन थे वो, इसके ऊपर हम काश्तकारी करके वो से जिन रहे। अच्छा। आपने पढ़ाई की लेकिन आपने नौकरी नहीं की है? नहीं, कोई दिया नहीं, मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू भी गया लेकिन कोई पार्टी वाले मेरे को प्रिपरेशन नहीं दिया। उस वजह से आपको खेती करना पड़ा? अभी क्या करना, वो जमीन जुमले में ऐसा दे के जी रहा अभी। अभी वो BSC सरकारी जब आता तब हमारे सब व्यवस्था ठीक होता बोल के मैं ये पद में चल रहा। आप ये बताओ कि KCR से आप नाराज क्यों हो, जबकि इतनी बड़ी मूर्ति बनाए उन्होंने, बहुत बड़ी सी मूर्ति बना दी बाबा साहब की, फिर भी उनसे नाराज क्यों? वो नाराज होने के बाद क्या है बोले तो, उन्हें स्वार्थ के लिए मूर्ति बनाए, लेकिन भगवान बुद्ध के दुआ के लिए नहीं बयान बनाया, पैसे के लिए, वो पदवी लेने के लिए वैसा वो बात के ऊपर किया, लेकिन वो धर्म का उसके ऊपर उसको कुछ प्रेम नहीं है। हिंदू धर्म के जब जब देवालय रहता, काका रहता, वो देवालय बनाना, वो इसके लिए करोड़ों खर्चे करना, हिंदू महिलाओं को कैसा पास लेना,
कैसा कैच करना, उसकी जिंदगी कैसा बर्बाद करना, वही ऊपर से वही किया। उसके बाद भी लेके वो कोना पे भी मेरे को एक सही बात बताने की आई। 2018 में मेरे को एग्रीकल्चर ऑफिस से ट्रैक्टर सैंक्शन हुआ। 2017 में सैंक्शन होने के बाद हमारे यहाँ कौटाला मंडल के सभी लीडर लोग के बताया कि वो बोले तो मैं उसके थ्रू से नहीं करा, मैं स्वयं खुद के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर के मुलाकात करके मैं अप्लाई कर दिया। वो लोग बोला वो हमारे पास नहीं आया, हमारे थ्रू से ट्रैक्टर अप्लाई नहीं करा, इसको ट्रैक्टर मत आना बोल के सभी हमारे कौटाला मंडल के लीडर है वो गांव के लीडर मिल के कोना पको चुगली कर दिया। कैसा भी करो लेकिन हीरामन खोबरागढ़ को ट्रैक्टर नहीं आना, ट्रैक्टर बंद कर देना बोल के एक साल रुका। 2017 में आए तो एक साल रुका, मैं क्या किया, हमारे मित्रों को तीन लोगों का नहीं आया, हम कोर्ट में कर दिया, हमको कहीं क्यों तू रुका, मेरी पट्टे की जमीन नहीं है क्या, मैं ट्रैक्टर लेने के लिए मैं एलिजिबल नहीं है क्या, कहीं क्यों रुका, मेरा कसूर मेरे को बता के वो बंद कर दो, कहीं को नहीं आता बोल के मैं कोर्ट में कर दिया। कोर्ट से मेरे को ऑर्डर आया कि नहीं तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, तुम्हारे कोई तो तुम्हारे अपोजिट वाले लीडर है उसको रुक दिया, गारंटी तुम्हारे को प्रोसीडिंग आता ट्रैक्टर ले सकता, कैसा नहीं देता, तुम्हारा कलेक्टर के पास जाओ बोल के मेरे को कोर्ट से ऑर्डर आया। जब मैं जाके कलेक्टर को पूछा कहीं को नहीं आया तो उन्हें बोला अरे कौन का आपको कहीं क्यों रुका, वो टाइम में जब वो चुगली कर दिया वो कलेक्टर ट्रांसफर हो गया, नया वाला कलेक्टर आया, वो बोला अरे तुम्हारे जैसा अपंग आदमी को कैसे ट्रैक्टर नहीं देता, अब और किसको देता ये लोगो, अरे मैं देता तेरे को प्रोसीडिंग, तो अगले दिन अगले हफ्ते में आओ मैं दे देता बोला। मैं अगले हफ्ते जाके वो कब किया 2018 में, एक साल पेंडिंग में रखा कि उसका फाइल निकल के बाजू में रखो, उसको ट्रैक्टर नहीं देना बोल के खुद ही कोना पर जाके चुगली कर दिया मेरे ऊपर। बोले तो यहाँ लोकल का लीडर है बोला कि वो आदमी को ट्रैक्टर आए तो हम उतने पानी जी के भी मरने के जैसे होता, इसलिए मैं कोर्ट से ऑर्डर ला के 2018 में मैं खुद ही एक साल के बाद कोई किसका मैं लिफ्ट नहीं लिया, मैं खुद ही जाके कलेक्टर ऑफिस के जाके प्रोसीडिंग ला के मैं आईचर ट्रैक्टर 2018 में जून 12 तारीख को शाम को मैं ट्रैक्टर ले आया सभी के सामने। चलिए ये इनकी कहानी है और उन्होंने बताया कि उनको चूंकि सरकारी जो योजनाएं हैं उसका फायदा देने से रोका गया, इस वजह से भी वो नाराज है केसीआर से। वो कहते हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा बनाई गई है हैदराबाद में वो सिर्फ दिखावे के लिए है, वोट खींचने के लिए है और उनका प्रलोभन के लिए है वो कहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है आरएस प्रवीण जो हैं वो उनकी तमाम स्थितियों को, उनकी खराब स्थिति को वो सुधार सकते हैं, उन्होंने वादा किया है और उन्हें उस पर पूरा भरोसा है।